सऊदी हुकूमत ने ख्वातीन को बग़ैर महरम के हज अदा करने की इजाज़त दे दी है। ख्वातीन से इस सिलसिले में 23 जून तक दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं। हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। ये सनद भी पेश करना होगी कि उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। सऊदी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सिर्फ उन लोगों को हज करने की इजाज़त होगी जिन्हें हज किए हुए 5 साल का अरसा हो चुका है। इससे पहले सऊदी हुकूमत ने मुल्क में मुकीम 60,000 मुल्की और गैर मुल्की अफराद को हज की इजाज़त देने का ऐलान किया था। हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। ये सनद भी पेश करना होगी कि उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। सऊदी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सिर्फ उन लोगों को हज करने की इजाज़त होगी जिन्हें हज किए हुए 5 साल का अरसा हो चुका है। इससे पहले सऊदी हुकूमत ने मुल्क में मुकीम 60,000 मुल्की और गैर मुल्की अफराद को हज की इजाज़त देने का ऐलान किया था।